शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र में एक बेरहम पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को नए साल के दिन कुएं में फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पति और पत्नी के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। वहीं पति अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इस दौरान घटना के एक दिन पहले ही पत्नी पति को छोड़कर बहन के घर शिकायत करने चली गई, जिससे नाराज पति ने अपनी माँ के हाथ से बच्चे को छीनकर उसे कुएं में फेंक दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया है। धनपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम गोलदा के बंजर टोला निवासी गुलाब सिंह मरावी का पत्नी नीतू सिंह से 31 दिसंबर को विवाद हुआ था। दोनों के बीच हुए विवाद पर पत्नी अपने पति की शिकायत करने अपनी बहन के घर चली गई। सुबह तक जब वह वापस नहीं आई तो नाराज पति ने 1 जनवरी की सुबह को मां गोमती बाई की गोद से अपने 2.5 साल के बेटे राजेश सिंह को छीन कर पास के कुएं में फेंक दिया। आरोपी कुएं में टांगी फेंक कर मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी लगते ही धनपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे का शव कुएं से निकालकर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले किया। वहीं हत्यारे पिता के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला कायम कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दिनांक 1/2023 को सूचना मिली कि ग्राम गोलद्दा बंजर टोला में गुलाब सिंह मरावी अपने लड़के राजेश सिंह उम्र लगभग 2.5 वर्ष को कुएं में फेंक दिया है। सूचना पर गया तो आरोपी गुलाब सिंह की मां बताई गोमती बाई कि 8-10 बजे लड़के नाती राजेश सिंह को खाना खिला रही थी तो लड़का गुलाब सिंह आया और उसको छुड़ा करके ले जा करके घर के पास बने कुएं में फेंक दिया। विरोध करने पर टांगी से मारने को आमादा हो रहा था। आरोपी गुलाब सिंह को कल 10 बजे रात ग्राम पौणी में गिरफ्तार अभिरक्षा में लेकर आज न्यायालय गुहार भेज दिया गया। बच्चे को कुएं में फेंकने का कारण क्या था? पति पत्नी में दोनों में चारित्रिक शंका को लेकर के आए दिन विवाद होता था, उसी कारण जिस उसने कुएं में फेंक दिया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।